आपके भरोसे पर खरे उतरकर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। भाजपा कार्यालय में हुई युवा पदाधिकारियों की बैठक। भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर की संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष भूपेंद्र धुरिया के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इसमें 3 जून को सैम्बो में ज्ञापन और केंद्र में 8 साल पूर्ण होने पर युवा मोर्चा द्वारा जिला केंद्र पर मोटरसाइकिल रैली निकालकर केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भुरिया ने संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, जिनमें धौलपुर विधानसभा प्रभारी राहुल जाट, राजाकेड़ा विधानसभा प्रभारी शिवा गुर्जर, सह प्रभारी अज्ञेश त्यागी, बाड़ी विधानसभा प्रभारी पुष्पेंद्र रजावत, बसेड़ी विधानसभा प्रभारी शुभम परमार, सह प्रभारी ब्रजेश बघेला नियुक्त किए गए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत विकास यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका जिला प्रभारी अज्ञेश तिवारी को नियुक्त करके माला पहनाकर स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री राहुल जाट ने बताया कि कल सैपो में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग लेकर सैपो एसडीएम को कल ज्ञापन दिया जाएगा। उक्त बैठक में जिला अध्यक्ष जिला महामंत्री राहुल जाट, जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह रजावत, जिला उपाध्यक्ष अज्ञेश त्यागी, जिला उपाध्यक्ष शुभम परमार, जिला मंत्री कमल सिंगल, जिला मंत्री नीरज राघव, जिला कोषाध्यक्ष हेमंत त्यागी, जिला कार्यालय मंत्री अनिल राजपूत, जिला सह मीडिया संयोजक हरि ओम, किसान अज्जा टोली, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी, बसई नवाब मंडल अध्यक्ष विपिन मृदुल, मनिया मंडल अध्यक्ष सूरदीप कुशवाहा, मरेना मंडल अध्यक्ष मनीष तोमर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट।